तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसलमेर का अपना 9th डे और डेजर्ट फेस्टिवल का 2nd डे। और अभी मैं खड़ा हूँ शहीद स्टेडियम में, जहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अभी साफा बांधो प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन मेरे साथ एक इंसान है जो देखकर आपको लग रहा होगा कि क्यों खड़े हैं यहाँ पर। ये थे मिस्टर डेजर्ट 2020 के। और भाई जी, आज भी आए हो आप कंपटीशन में? आज तो ऐसे देखने के लिए और हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए बताने के लिए, ये बूथ प्रतियोगिता और सभा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। जी जी, तो ये भाई जी हर साल हर जगह जाते हो भाई? 2017 से यहाँ पर आ रहे हैं। 2017 से जैसलमेर में आ रहे हैं? तो 2017 से जैसलमेर में आ रहे हैं हर साल। अगर आप आ रहे हो नेक्स्ट ईयर भी तो ये दिखेंगे। भाई जी का नाम है ओम प्रकाश जी वैष्णव और ये 2020 के मिस्टर डेजर्ट थे। आप देख सकते हो क्या वेशभूषा इनकी और क्या लग रहे हैं भाई जी, बहुत शानदार लग रहे हो आप। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आप कहाँ से हो भाई जी? पाली जिले से। ये पाली जिले से हैं, नेतारण तहसील बालपुरिया गांव जी। और मैं वैसे ऑक्यूपेशन मेरा टीचिंग है, ओके, लेक्चरर इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अरे बेहतरीन इंग्लिश टीचर है भाई जी, कोई बोल सकता है क्या इनकी वेशभूषा देखकर? अभी इंग्लिश टीचर है ये गवर्नमेंट पाली। तो आप जब भी आ रहे हो भाई जी यहाँ के अलावा पुष्कर वगैरह जाते हो? पुष्कर जाता हूँ, बीकानेर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय फूड महोत्सव होता है वहाँ पर 5 दिन रहता हूँ। जी जी, पुष्कर के अंदर 15 दिन रहता हूँ, बीकानेर में रहता हूँ। थार महोत्सव जी जो बाड़मेर होता था पहले, वहाँ पर बीकानेर बाड़मेर में थार का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर भी जाता हूँ। हाँ, ओके ओके ओके। तो उनको किसी ने बुला लिया। तो ये आपको सारे फेस्टिवल्स में मिलेंगे और जितने भी आप डेजर्ट फेस्टिवल देख रहे हैं, पुष्कर, अजमेर और बीकानेर, बाड़मेर वाले सब में दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे हूँ और अभी हो रही है मूंछ प्रतियोगिता, लेकिन आपको उधर लेके चलते हैं। बाकी बहुत शानदार माहौल है भाई लोग। सी शहीद मंगल स्टेडियम है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी अपन उधर चलते हैं जहाँ पे मेन कंपटीशन हो रहा है। भाई जी मैं आ गया हूँ मेन, जहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। आपको सीधे कंपटीशन दिखाता हूँ मैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर ये सामने आपके साफा बांधो प्रतियोगिता चल रही है, जो सबसे जल्दी साफा बांध देगा वही विनर रहेगा। तो देख लो राकेश जी, आइए पीछे। आपको कोर्ट दिख रहा है, क्या क्या राजस्थानी कॉम्बिनेशन है भाई लोग। पीछे पूरी कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसके जस्ट पीछे कोर्ट है। सबके लिए ये अनाउंसमेंट, जैसे ही आपको हमारे बास्केटबॉल की और इस कंपटीशन का रूल ये है साफा बांधो का, कि 2 मिनट में आपको साफा बांधना है। जो सबसे जल्दी साफा बांध देगा वही विनर होगा इस कंपटीशन का, इस साल का। तो मैं आपको सीधे लाइव ले चल रहा हूँ वहाँ पे, चलो मेरे साथ। It appears complicated, but those who have inherited the tradition tie a turban out of meters of cloth at the blink of an eye. Turban is our pride. These bright colors of turbans bring happiness and joy to you. Over to Vijayji. Shukriya Arjun ji. Aur hamare nirnayak gan pahunch chuke hain manch par. Aur Safa Bandho Pratiyogita ke nirnayak mandal mein shamil hain. Aap sabhi ki zordar taaliyon ke saath. Nirdeshak Paryatan Nishant Jain sahab. बैंड की इस धुन के साथ एक बार आपकी तालियां बजे। ओ
बनाए हमें लास्ट। दोस्तों मेरे पीछे चल रहा है टर्बन टाइंग कंपटीशन और अभी जजमेंट हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि साफे वगैरह तो बांध लिए हैं, लेकिन अब वही जजेस जज कर रहे हैं किसका बढ़िया है। डेकोरेशन ऑल अदर थिंग्स मैटर कर रही है यहाँ पर, टाइम के अकॉर्डिंग भी, टाइम के अलावा भी। तो देखते हैं कौन जीतता है ये। बाकी उधर एक रेत वाली जो पेंटिंग्स बोलते हैं वो है, तो मैं उधर भी आपको ले चलूँगा। सैंड आर्ट, ठीक है। और इधर कंपटीशन हो रहा है और इधर आपको पूरा जैसलमेरी लुक देखने को मिलेगा।